नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश और आपके लिए आज एक हार्डवेयर के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, प्रैक्टिकल हार्डवेयर वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप हार्डवेयर चार्जिंग, आज इसमें बता दूं मैं चार्जिंग सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। इसमें मैं सारी चीज़ें आपको चेक करके दिखाऊंगा कि चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। चार्जिंग इसमें नहीं हो रही है क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रेंड, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि किसी टेक्नीशियन ने इसके सारे कॉम्पोनेंट्स ही यहाँ के उखाड़ दिए हैं। मतलब चार्जिंग लगा रहे होंगे तो इसके आप देख रहे हैं प्रिंट ही नहीं है, बस इसके एक दो प्रिंट बचे हुए। मैं आपको एकदम जूम करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो मैं इस चार्जिंग का आपको सारे वोल्टेजेस चेक करके दिखाऊंगा, कहाँ पे क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोसफेट लगा हुआ है, कोट रजिस्टर लगा हुआ है, सारी चीजें लगी हुई है। तो मैं इसकी फुल चेकिंग करके आपको दिखाऊंगा। इसका मैं पहले दिखाऊंगा कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आपको दिखाऊंगा कि आगे पूरी ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसका मैं बाईपास करके दिखाने वाला हूँ। चार्जिंग का मैं बाईपास करके दिखाऊंगा फ्रेंड। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तब आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि कैसे इसको हमको करना है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, पहले मैं इसकी आपको चेक करके दिखाऊंगा कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप जाहिर सी बात है नहीं आएंगी क्योंकि अपने चार्जिंग पिन लगा दिए, पर यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं है तो इसका जो इनपुट है वो पास ही नहीं होगा। तो चलिए मैं आगे वीडियो का बने रहे, मैं इसको चेक करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले इसके वोल्टेजेस चेक करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक चार्जर लगा लेता हूँ। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चार्जर लगा लिया हूँ। अब चार्जर लगाने के बाद इसका इनपुट वोल्टेज चेक करूंगा कि इनपुट वोल्टेज कहाँ कहाँ पे आ रहा है। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर से मैं इसके इनपुट वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 5.2 वोल्टेज आ रहा है। अब मैं इसकी चेक करूंगा यहाँ पे इसके बैटरी कनेक्टर में, आपको दिखाऊंगा बैटरी कनेक्टर में इसकी वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि इसकी बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज चेक करता हूँ तो बैटरी कनेक्टर में कोई भी वोल्टेजेस नहीं है फ्रेंड। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे दिखाइए और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे कोई भी वोल्टेजेस नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोसफेट लगा हुआ, मोसफेट के इनपुट में भी वोल्टेज आना चाहिए, तो देख रहे हैं मोसफेट के इनपुट में भी कोई भी वोल्टेजेस नहीं आ रहा है फ्रेंड। आप देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट होता है जो कि आप जानते हैं मोसफेट के बारे में, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे फ्रेंड, इसका मैं आपको बाईपास बताने वाला हूँ कैसे बाईपास करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है क्योंकि चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पे इनपुट तो हमारा आ रहा है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज हमारा 5.2 आ रहा है, पर हमारा इनपुट वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इसका जो इनपुट वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेजेस ना आने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट लगे थे वो खराब हो गए हैं, मतलब किसी टेक्नीशियन ने निकाल दिया, निकल गए। तो इसका जो इनपुट वोल्टेज है, मैं इसका इनपुट वोल्टेज बाईपास करूंगा, इसके मोसफेट के इनपुट वोल्टेज पे दूंगा और फिर देखते हैं कि वोल्टेज हमारा काम करता है कि नहीं करता है। तो एक जम्पर हम उठाएंगे यहाँ से, मैं इसका बाईपास सोल्यूशन देना चाहता हूँ। इसका इनपुट उठा करके आपको मोसफेट में देना है और मोसफेट से आप देंगे तो ये काम करने लगेगा। तो चलिए आप वीडियो में बने रहे, मैं इसको एक जम्पर करता हूँ फ्रेंड्स। तो जम्पर करता हूँ फ्रेंड्स, आपको जम्पर करके प्रैक्टिकली वीडियो मैं देने वाला था, मैं कहां से एक जम्पर लूंगा मोसफेट के इनपुट पे और आपको लूंगा। आप देख सकते हैं मैंने मोसफेट के इनपुट पे लगा दिया है। अब मैं इसके भी इनपुट पे जम्पर लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसके इनपुट पे एक जम्पर ले लिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूंगा और जूम इन करके आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक इनपुट पे जम्पर लिया है और इसके मोसफेट पे इन पे हमने मारा है। मोसफेट के मैं दिखाना चाहूंगा आपको, मोसफेट के फ्रेंड्स मैंने इनपुट पिन पे मैंने जम्पर दे दिया है फ्रेंड्स। आपको बीच वाले में नहीं देना है, जो आपके 3 डॉट दिख रहा होगा लास्ट के, मैं एक बार टच करके दिखाऊंगा फ्रेंड। आपको यहाँ पे देना है जो इसके लास्ट वाली पिन है फ्रेंड, जो इसकी फर्स्ट वाली पिन है उस पर देना है आपको। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, फर्स्ट वाली पिन पे ब्लर हो रहा है, मैं फर्स्ट वाली पिन पे जंपर देना है, बीच में नहीं देना है, सबसे नीचे वाली पिन पे जंपर देना है, इनपुट वोल्टेज देना है। अब मैं आपको चेक करके वोल्टेज दिखाऊंगा क्या हमारा आउटपुट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है फ्रेंड। तो चलिए दिखाइए, मैं इसमें चार्जर लगाता हूँ फ्रेंड्स और चार्जर लगा के मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि इसके जो आउटपुट वोल्टेज अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब जो हमने बाईपास किया है वो हमारा 100% वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप सारी चीज़ें, अब मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, तो मैं डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप मल्टीमीटर को भी देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीमीटर में भी देखते रहिएगा। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि इनपुट वोल्टेज दिया तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए इनपुट वोल्टेज हमारा 5.2 वही आ रहा है।
अब मैं इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करता हूँ। आउटपुट वोल्टेज देखिए फ्रेंड्स, हमारा 110% सक्सेस हो चुका है, 4% हमारा आ चुका है फ्रेंड। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोड रजिस्टर के थ्रू आउटपुट वोल्टेज जाता है। आप देख सकते हैं कोड रजिस्टर में 4.1 आ चुका है, क्योंकि हमारा जो चार्जिंग होना चाहिए वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 4.1 आ चुका है वोल्टेजेस। आई होप ये हमारा 110% सक्सेस हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।